बना है, ठीक है। एक क्रिकेट खिलाड़ी है जिसने 6 पारियों में कुछ औसत रन बनाए हैं, 7वीं पारी में 50 रन बनाए हैं, जिससे औसत में टोटल वृद्धि कितनी हुई, 4 की हुई। तो बताओ 7वीं पारी का औसत कितना होगा, 7वीं पारी का औसत कितना होगा। तो देखें यहाँ पर क्या करना है कि इसका औसत मान लिया हमने यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो 7वीं पारी में औसत कितना, 4 बढ़ गया था। तो सिंपल है कि यहाँ पर 7-1 और 6-1, यहाँ पे भी 1 मानना है। 7-1 माइनस 6-1 कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। 7-1 माइनस 6-1 कितना होगा, 1 होगा। 7 में से 6 को घटा लो कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। अब 7 चौक 28 होगा, ठीक है। ये 50 है, 50 रन पहले लिख लें, और 7 चौक कितना होगा, 28, तो माइनस कर दो कितना, 28। तो यहाँ पर एक का मान कितना आ जाएगा, 22, ठीक है। एक का मान कितना आ जाएगा, 22। तो 7वीं पारी का औसत कितना होगा, तो 7वीं पारी का औसत, पारी का औसत, ठीक है, औसत कितना होगा, 4 अधिक होगा। 6 पारियों का कितना था, 1 था, तो इसका 4 अधिक होगा, मतलब यहाँ पर 22 प्लस 4 मतलब 26, ये आपका आंसर है। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपने देख लिया होगा थंबनेल पे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये औसत का नेक्स्ट पार्ट है, इससे पहले 3 पार्ट ऑलरेडी से कि वहाँ पे यूट्यूब पे अपलोड कर दिए गए हैं, तो उसको वहाँ से देख लें एक बार, और उसके बाद फिर यहाँ पर ये वाले टॉपिक को या फिर ये 6 टाइप को यहाँ पर देखें ध्यान से, ठीक है। यदि से आप यहाँ पे पटवारी या फिर एमपी पुलिस या फिर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पर ये बेस्ट होगा, राइट। तो देखें यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट किए इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं, और एकदम शॉर्टकट में बेसिक कंसेप्ट ही है, कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन किसी ट्रिक से कम नहीं है, ठीक है। इसलिए ध्यान से देखें यहाँ पे वो कौन सी ऐसा कंसेप्ट है जो ट्रिक से भी शॉर्टकट है, ठीक। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन को पहले ध्यान से एक बार पढ़ लें, खुद पढ़ लें वीडियो को पॉज करके, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ पाए, ठीक। तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना है, ठीक है, डायरेक्ट आंसर निकालने की कोशिश नहीं करना है, डायरेक्ट हल करने की कोशिश नहीं करना है। यहाँ पे पहले आंसर इसको क्वेश्चन को समझ लें कि क्या कह रहा है ये और निकालना क्या है, ठीक। तो आइए यहाँ पर स्टार्ट करें, और यहाँ पर बोला गया है कि क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 6 पारियों में, ठीक, क्रिकेट का एक खिलाड़ी है जिसने 6 पारियां यहाँ पर खेली है, 6 पारियों में कुछ, यहाँ पे कुछ बोला है, ठीक है, 6 पारियों में कुछ औसत रन बनाए, कुछ औसत रन बनाए। 7वीं पारी में उसने 50 रन बनाए, ठीक है, 7वीं पारी में कितने बनाए, 50 रन, 50 बनाए, जिससे उसका औसत 4 बढ़ गया, औसत में बढ़ोतरी कितनी हो गई, 4 बढ़ी। क्रिकेट के खिलाड़ी ने 6 पारियों में कुछ रन बनाए थे, 6 पारियों में पहले कुछ रन बनाए थे, ठीक है, लेकिन 7वीं पारी में कितने बनाए, 50, तो 7वीं पारी में 50 मार दी उसने, और 50 मारने की वजह से उसका जो औसत में वृद्धि हुई, औसत कितना बढ़ा, तो कितना बढ़ा, 4 बढ़ा है, राइट। तो बताएं, या तो बताओ 7वीं पारी में या 7वीं पारी का औसत क्या होगा, ठीक है, 7वीं पारी का औसत आपको बताना है। तो पढ़ने से थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा बड़ा सा सवाल है, थोड़ा सा कठिन होगा, ठीक है, लेकिन इसी को बहुत सरल बना देंगे, राइट। तो देखते रहे, अब यहाँ पे करना क्या है कि एक खिलाड़ी जिसने 6 पारियां खेली है, ठीक है, और कुछ औसत रन बनाए हैं, ठीक है, कुछ औसत रन बनाए, मतलब कितने औसत रन बनाए हैं ये नहीं बोला है इसमें, कुछ औसत रन यहाँ पर बनाए हैं, राइट। तो हम यहाँ पे इसको हल करेंगे, और क्या करना है, पारियां कितनी है, 6, ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है 6 पारियां, ठीक है, और क्या करना है, इनका जो औसत है, एवरेज है, वो कितना होगा, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ औसत, औसत, ठीक है। तो अब औसत तो यहाँ पर दिया नहीं है, 6 पारियों का औसत कितना होगा ये तो नहीं दिया है, ठीक, तो क्या करेंगे, अब मेस में से कि एक ही काम है, जहां पर कुछ नहीं दिया है वहां पर x है, ठीक है, तो वहां पर x ही मान लेना है, तो यहाँ पर मान लेंगे क्या, x, तो x मान लिया, औसत रन कितने हैं, x, पारियां कितनी है, 6। अब आपको मैं से कि यदि ये बोलूं कि अब इसका, इसके जो टोटल रन होंगे वो कितने होंगे, कुल रन कितने होंगे, तो आपने पिछले वाले टॉपिक भी देखे हैं, इसके वीडियो देखे हैं पिछले वाले, बेसिक जो मैंने बताए थे, यदि वो आपने से कि सही तरीके समझ लिया है, तो इसका जो टोटल रन निकालना है वो आसानी से निकाल लोगे, ठीक है। तो कुल रन, ठीक, कुल रन कितने होंगे, कुल रन यहाँ पर होंगे सिंपली इसका और इसका गुणा कर लेना, 6 का x में गुणा कर लेना है, तो 6x होगा, ठीक है, 6x होगा, ये हो गए कुल रन, ये क्या है, औसत जो हमने माना है, क्योंकि यहाँ पर दिया नहीं, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे कुल रन हमने निकाल लिए। अब बढ़ते हैं आगे, और अब क्या बोला है, 7वीं पारी में उसने 50 रन बनाए,
ठीक है, सातवीं पारी में कितने बनाए, 50 रन बनाए, जिससे उसका औसत 4 बढ़ गया। ठीक है, सातवीं पारी है तो सातवीं पारी यहां पे लिख ले, सातवीं पारी और इसका औसत कितना है, औसत के सीध में औसत लिखना है। ठीक है, तो औसत कितना है, तो औसत यहां पर पहले वाले का एक था, लेकिन सातवीं पारी में 50 मारने के बाद में औसत रन 4 बढ़ गया है, मतलब इससे 4 अधिक है, मतलब यहाँ पे x प्लस कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, 4 बढ़ा दिया, बढ़ गया सातवीं पारी में औसत। यहाँ पर इसकी जगह ये मत लिख देना क्योंकि ये क्या है, रन है, टोटल रन है, टोटल रन की जगह आएगा, कुल रन की जगह आएगा। ठीक है, इसमें गुणा करके हम यहाँ पे औसत निकाल लेंगे, टोटल रन निकाल लेंगे, ताकि बाद में जो 50 है ये हमें इस इक्वेशन को हल करने में काम आएगा। ठीक, तो इसका इसमें इंटू करो या फिर गुणा करो तो 7 का x में करेंगे तो 7x आएगा प्लस, तो यहाँ पे प्लस लगा लेंगे, 7 + 28 तो यहाँ पे ये लिख लिया 28। ठीक, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये औसत निकाल लिया, कुल रन भी निकाल लिए। ठीक, अब क्या है कि सातवीं पारी के रन अपने को दिए हैं, तो क्या करेंगे हम, x का मान हमें निकालना है, क्योंकि x का मान निकालेंगे तो यहाँ पे बताओ सातवीं पारी का औसत कितना होगा, तो सातवीं पारी का औसत निकाल लेंगे, निकल जाएगा। तो उसके लिए जरूरत किसकी है, x की जरूरत है, तो x निकालने के लिए हमें कितना दिया है, ये 50 रन दिया है सातवीं पारी का, केवल सातवीं पारी का, पिछली 6 पारियां खेली उसका नहीं दिया है। ठीक है, केवल सातवीं पारी का दिया है, तो हम यदि से ये करें कि जो 7 पारियां हैं तो सातवीं पारी में से, ठीक है, सातवीं पारी में से हम घटा ले किसको, 6 पारियों को, टोटल 7 पारियां खेली उसने, 7 में से हम घटा ले किसको, 6 पारियों को। ठीक है, पारियों को, तो क्या होगा, जो सातवीं है उसका एक का रह जाएगा, एक का मिल जाएगा सातवीं पारी का। ठीक है, तो सिंपल इस तरीके से करना है हमें कि यहां पर ये सातवीं पारी का माइनस ये छठवीं पारी का। ठीक है, तो सातवीं पारी का कितना है, 7x माइनस 7x प्लस 28 माइनस क्या कर देंगे यहाँ पर 6x। ठीक है, और बराबर यहाँ पर रन कितने दिए हैं टोटल सातवीं पारी के, तो सातवीं पारी के रन यहाँ पर दिए हैं 50। ठीक है, सातवीं पारी के रन 50 दिए हैं, तो इस तरीके से अब 7x में से 6x जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर, केवल x। ठीक है, और ये वाला 28 है उसको उधर ले जाके माइनस कर दो, 50 माइनस 28 कर दो, तो कितना रहेगा यहाँ पर, ये 10 में से 8 जाएगा 2 रहेगा। ठीक है, और इधर 4 में से 2 गया तो 2, तो इतना x बराबर कितना आया यहाँ पे, तो ये 22। ठीक है, x बराबर आया 22। तो अब बताओ यहाँ पर सातवीं पारी का औसत, मतलब इसका औसत कितना होगा सातवीं पारी का, तो सातवीं पारी का औसत, औसत कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 22 है, यहाँ पर औसत ये लिख लो पहले, x प्लस 4 है ये औसत है, तो x की जगह ये मान रख दो। ठीक है, x का मान, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 22 प्लस 4 मतलब यहाँ पर 26 होगा। तो यहाँ पर औसत कितना आया, एवरेज 26, किसका, सातवीं पारी का। ठीक है, एक का निकालना था हमें, इसलिए इस टोटल में से 6 पारियों को हटा दिया, मतलब घटा दिया यहाँ पर, घटा के बराबर 50 करके निकाल लिया x का मान, और सातवीं पारी का औसत यहाँ पे हमने पहले निकाला था, तो इसमें यहाँ पर मान रख दिया कितना, 22, और यहाँ पे प्लस 4 हो गया, 26 हो गया। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे हम इसको हल कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। अब यहाँ पे मैंने पूरा क्या है कि लिख के बताया, क्यों, क्योंकि जो नया स्टूडेंट है उसको एकदम से शॉर्टकट में से बताएंगे उसको समझ में नहीं आएगा, कुछ दिक्कत आ सकती है। ठीक है, जिन्होंने पहले से कर रखा है सवाल, इस टाइप के सवाल किए हैं, तो उनको समझ में आ जाएगा फटाफट, लेकिन नए के लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है, एकदम शॉर्ट में बता देंगे। तो अब ये है, अब इसकी भी एक बार दो बार आपने प्रैक्टिस कर ली तो ये लिखा पढ़े की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये लिखा पढ़े की कोई जरूरत नहीं है। अब कैसे जरूरत नहीं होगी ये भी आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, कहाँ से अपन एकदम से शॉर्टकट से कर सकते हैं, तो इसको मिटा दे रहा हूँ मैं। एक बार दो बार प्रैक्टिस करने के बाद में हमें कैसे करना है, ठीक है, उन सवालों को शॉर्टकट में कैसे करना है, अब ये भी देख लो यहाँ पर। तो हमें इतना पता होता है, मतलब सिर्फ 8-10 सवाल कर लिए, 12-15 सवाल करने के बाद फिर हमें ये माइंड में सेट हो जाता है कि हाँ, हमें टोटल औसत में जो संख्या है उसका गुणा करेंगे, टोटल योग मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से
हर औसत के सवाल में हमें योग निकालना होता है, तो योग सबसे पहले निकाल लेंगे। तो छह पारियों का औसत यहाँ पर दिया नहीं है, तो छह पारियों का जो औसत है 6 पारियों, ठीक है। यहाँ पे छह पारियों का औसत कितना है 1 से, ये क्या है एवरेज। तो टोटल रन कितना होगा, तो यहाँ पर 6x होगा, ठीक है 6x होगा, ध्यान से देखते रहना, बहुत एकदम शॉर्टकट में सिर्फ इसको करेंगे। उसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे, सातवीं पारी में कितने 50 रन बनाए और औसत में कितनी वृद्धि हुई, इसमें 4 की वृद्धि हुई। तो यहाँ पर सातवीं पारी का निकाल लेते हैं, सातवीं पारी का जो औसत होगा वो कितना होगा, 4 अधिक होगा पहले वाले से, तो 1+4 होगा। तो अब क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करके टोटल यहाँ पे ये कुल है, ये कुल क्या है रन है, कुल रन। तो 7x और प्लस 728 हो जाएगा, ठीक। अब इनको माइनस करेंगे, 7 में से ये जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सिंपली इसमें से इसको घटा लेंगे डायरेक्टली, ठीक, क्योंकि यहाँ पर सातवीं पारी का रन दिया है, तो ये 7 पारियों में से छठवीं को घटा देंगे तो सातवीं पारी का रन आ जाएगा। मतलब यहाँ पे 7x प्लस 28 माइनस 6x, 6x बराबर कितना आएगा 50 आएगा। इसमें 7 में से ये गया तो कितना, केवल एक, इसमें 28 को इसमें से घटा दिया तो कितना आया 22, ठीक है 22। बस सातवीं पारी का निकालना, सातवीं पारी में यहाँ पे जोड़ लो, ठीक है। तो सातवीं पारी का कितना हो जाएगा, सातवीं का औसत निकालना है एवरेज, तो बराबर 22+4 हो जाएगा तो 26 आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जरा सा इतना भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये भी और भी थोड़ा सा लिख के मैंने बताया, और भी यहाँ पर लिख के बताया है, लेकिन यहाँ पे वो ये वाली चीजें केवल माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं हम, ठीक है, ये वाली चीजें माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं, और यहाँ पर जो भी आएगा वो हमेशा घटेगा ही घटेगा, ठीक है। यहाँ पर जो आएगा वो हमेशा जितने भी रन यहाँ पे दिए हुए रहेंगे उसमें घटेगा ही घटेगा, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे और भी इसका शॉर्टकट मारना है, और भी शॉर्टकट कर सकते हैं इसको, कैसे, यहाँ पर डायरेक्ट एक्स लिखने के बाद में 7x में से 6x गया तो कितना, केवल सिंगल x रहेगा, ठीक है। तो सिंगल यहाँ पर x है। अब क्या हुआ कि अब यहाँ पर जो औसत था कितना पड़ा था 7, तो ये वाला जो 7 ये इसका था, ठीक है, औसत किसके कौन सी पारी में बड़ा था, सातवीं में, तो इसका सीधे इसमें गुणा करना 728, ठीक है। तो जो 28 आएगा, ये जो 28 है उसको टोटल रन में से माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा, और औसत निकालना था 4 बढ़ा के लिख दो, सातवीं पारी का औसत बताना है ना, तो इससे 4 अधिक होगा, ठीक है। तो अधिक होगा मतलब क्या होगा, 22+4 होगा तो बराबर कितना होगा 26 होगा। ये इतनी सी जगह में पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। बस शर्त ये है कि पहले आपको बेसिक आना जरूरी है, तो बेसिक की पहले प्रैक्टिस करें, उसके बाद में इस तरीके से शॉर्टकट करने की कोशिश करें, और प्रैक्टिस थोड़ी थोड़ी जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे ही इतना शॉर्टकट हो जाएगा। अभी मुझे ही मान लो कि ये सवाल पूरा करना होता तो मैं इतने में ही करता, ठीक है, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी। तो इस तरीके से थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे आप भी इस तरीके से कर लोगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और उसको ध्यान से करना, वीडियो को पॉज करके रोक के आपको खुद को आंसर निकालना है, उसके बाद फिर यहाँ पर देखना है। इतने बड़े बड़े सवालों को एकदम चुटकियों में क्रिकेट की बॉल की तरह कैसे उड़ाना है, यदि देखना है तो यहाँ पे ध्यान से देखो, और आपको यही ट्रिक या यही तरीका आपको एग्जाम में काम आएगा, ठीक है, जो आपको आंसर दिलाएगा या फिर से आंसर निकलवाएगा या फिर आपको नंबर दिलवाएगा। तो देखें यहाँ पे एकदम शॉर्टकट में, ठीक है, बेसिक तो मैं बता ही दिया है या फिर बताऊंगा अभी, लेकिन एकदम शॉर्टकट में। तो यहाँ पे छह पारियों में कुछ रन, कुछ औसत रन बनाए हैं, ठीक है, एक क्रिकेट खिलाड़ी है जिसने 6 पारियों में कुछ औसत रन बनाए हैं, सातवीं पारी में 50 रन बनाए हैं, जिससे औसत में टोटल वृद्धि कितनी हुई 4 की हुई। तो बताओ सातवीं पारी का औसत कितना होगा, सातवीं पारी का औसत कितना होगा। तो देखें यहाँ पर क्या करना है कि इसका औसत मान लिया हमने यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो सातवीं पारी में औसत कितना 4 बढ़ गया था। तो सिंपल है कि यहाँ पर 7x और 6x, यहाँ पे भी 1 मानना है, 7x माइनस 6x कितना होगा 1 होगा, ठीक है, 7x माइनस 6x कितना होगा 1 होगा, 7 में से 6 को घटा लो कितना होगा 1 होगा, ठीक है। अब 728 होगा, ठीक है, ये 50 है, 50 रन पहले निकले लें, और 700 कितना होगा 28, तो माइनस कर दो कितना 28, तो यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा 22, ठीक है, x का मान कितना आ जाएगा 22। तो सातवीं पारी का औसत कितना होगा, तो सातवीं पारी का औसत, पारी का औसत, ठीक है, औसत कितना होगा 4 अधिक होगा,
छह पारियों का कितना था, एक था, तो इसका चार अधिक होगा, मतलब यहाँ पर 22 प्लस चार मतलब 26, ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से यहाँ पे सवालों के आंसर निकालने के लिए आपको वीडियो को प्रॉपर देखना होगा, पूरी तरीके से देखना होगा, ताकि आपको हर तरीका यहाँ पे मिल पाए। बेसिक भी बताऊंगा, कंसेप्ट भी बताऊंगा इस तरीके से, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो पे और आगे देखें अगले क्वेश्चन को। अब इन सवालों को हल करें, जैसे पहले मैंने बताया, ठीक है, बेसिक भी बताया, एकदम शॉर्ट भी बताया, तो उसी टाइप से इन सवालों को हल करना है, ठीक है। वीडियो को रोक के आप खुद हल करें और फिर यहाँ पर देखें। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं एकदम शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूँ, बेसिक पहले वाले सवाल में मैंने ऑलरेडी बताया, लेकिन फिर भी इसमें भी बता दूंगा बेसिक में, ठीक है, लेकिन पहले शॉर्ट तरीके से यहाँ पर बता रहा हूँ। तो ध्यान से देख लें शॉर्ट तरीके से कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पर किसी बल्लेबाज ने अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाए, कोई बल्लेबाज है जिसने कितनी पारियां खेली है, 12वीं, ठीक है। तो 12वीं पारी में 63 रन बनाए हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे इनको बस जो आंकड़े दिए हैं उनको अच्छे से ध्यान रखना है, राइट। तो 12वीं पारी में, यहाँ पे 12वीं पारी में ब्लैक से लिख देता हूँ, हाँ 12वीं पारी में, ठीक है, 12वीं पारी में जो टोटल रन बनाए वो कितने बनाए, वो है 63, ठीक है, 63, इसको बाद में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये देखना होगा कि 12वीं पारी से पहले 11 पारियां इसने खेली होगी, ठीक है, 11 पारियां खेली होगी। तो 11वीं पारी का निकाल लेंगे हम, तो यहाँ पे 11वीं पारी का क्या निकालेंगे, औसत निकालेंगे, ठीक है, औसत। तो औसत यहाँ पर 11वीं पारी का हमें नहीं पता है, जब नहीं पता हो तो क्या करना है, यहाँ पे एक ले लेंगे, एक मान लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में अब क्या करना है कि जो 11वीं पारी का औसत तो एक से, लेकिन 11वीं पारी में टोटल रन कितने बनाए, तो टोटल रन बनाने के लिए हम उस पारी का, टोटल पारियां हैं उसमें किसका गुणा करें, औसत का गुणा कर देंगे, इन दोनों का गुणा कर देंगे तो टोटल योग आ जाएगा यहाँ पर। तो कुल योग या कुल रन, या कुल रन, तो यहाँ पे टोटल रन कितने होंगे, 11x, ठीक, 11x। अब यहाँ पे देखो, अब 12वीं पारी का जो औसत है वो आसानी से निकल जाएगा, कैसे कि 12वीं पारी का औसत, 12वीं पारी में कितने, 63 रन बनाए, जिससे उसके औसत रनों में कितनी वृद्धि हुई या कितना अधिक हुआ औसत, दो अधिक है, किससे, 11वीं पारी से। तो 11वीं पारी से इसका एक से, तो इससे दो अधिक है किसका, 12वीं पारी का। तो यहाँ पे एक प्लस टू कर लेंगे, ठीक है, एक प्लस टू, दो अधिक यहाँ पे कर लेंगे। अब इसका भी टोटल निकाल लेंगे हम, 12वीं पारी का जो टोटल है वो निकाल लेंगे, टोटल क्या है, रन। तो यहाँ पे 12 का एक से गुणा करो तो 12x आएगा, तो और प्लस लगा लेंगे यहाँ पर, और 12 × 24 आ जाएगा, ठीक है, 12 × 24। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हो गया। अब क्या करना है, अब इन इसको इसमें से इसको घटा लेना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे केवल और केवल कितने रन दिए हुए हैं, ये रन है 12वीं पारी के, तो 12वीं पारी के रन, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 12वीं पारी के रन, 12वीं पारी के रन, ठीक है, कितने हैं, 63 है, तो 63 लिख लिया, ठीक है। और इधर यहाँ पर इसमें से इसको घटा लो और ये ऐसे कैसे लिख लो, तो 12 − 11 होगा, तो एक होगा, केवल एक बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर एक, और प्लस कितना है, 24 है, ठीक है, तो यहाँ पे 24 बराबर कितना है, 63 है, 63, ठीक है। अब इसको उधर ले जाके 63 में से माइनस कर दो, घटा दो, ठीक, तो 63 में से इसको घटा लेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, एक बराबर ये 63 − 24, ठीक, 63 − 24, तो यहाँ पे 13 है, 13 में से ये जाएगा 4 जाएगा, तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, ठीक है, और इधर 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा, तो 39 यहाँ पर आया, ठीक है। एक का मान कितना आया, 39, मतलब यहाँ पे एक बराबर आया 39, ये आया है, ठीक। अब क्या करना है यहाँ पर, अब 12वीं पारी का आपको बताना है, ठीक है, 12वीं पारी का औसत आपको बताना है कि 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत याद कीजिए, ठीक है, 12वीं पारी के बाद में, तो 12वीं पारी के बाद में औसत कितना था, ये था, ठीक है, एक प्लस टू, तो यहाँ पे कितना है, एक से, तो यहाँ पे हम एक प्लस टू कर लेंगे, मतलब यहाँ पर 39 प्लस टू कर लेंगे तो कितना आएगा, 41, तो 41 क्या आएगा, ये इसका औसत आएगा,
औसत, 12वीं पारी के बाद में इसका औसत। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे एक बेसिक ही तरीका है। ठीक है, बेसिक तरीके से ही बताया है, एकदम शॉर्टकट यहाँ पे नहीं भा रहा है। अब यहाँ पे एकदम शॉर्टकट तरीके से देख लेते हैं। ठीक है, शॉर्टकट तरीके से कैसे करेंगे, तो यहाँ पर इतने ही भाग में हम शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं। ठीक, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 11 पारियां 12 पारियां कितना है, ये वाले जो 63 रन दिए केवल एक ही पारी के दिए, मतलब 12वीं पारी के दिए, तो इसमें से इसको घटा लो तो एक आएगा, एक मतलब एक, यहाँ पे इसका औसत कितना, एक। तो यहाँ पे एक बराबर डायरेक्ट निकाल लेंगे, 63 रखो यहाँ पर, और जो 12वीं पारी का जो अधिक, 12वीं पारी में जितने अधिक हुए थे, कितने अधिक, दो अधिक हुए थे, तो 12 दोनों कितना हुआ 24, तो इसमें से 24 सीधा यहाँ पे माइनस करो तो आपको मिलेगा कितना 39। ठीक है, 39 एक्स्ट्रा मान, तो औसत अब निकाल लो, औसत। ठीक है, औसत 12वीं पारी का, तो 12वीं पारी का औसत ये वाला जो एक है, ये किसका औसत है, ये 11वीं पारी का औसत है। ठीक है, 11वीं पारी जो यहाँ पर नहीं लिखा है उसका औसत है, 11वीं का हाँ एवरेज कितना है, ये है, तो 12वीं का दो अधिक रहेगा, मतलब कितना होगा यहाँ पर 39 प्लस 2 मतलब 41। ठीक है, 39 प्लस 2 प्लस 2 ये वाला, ठीक है, तो 41। तो इस तरीके से यहाँ पे हम इतनी ही जगह में हम यहाँ आंसर निकाल सकते हैं। राइट, तो ये हो गया बेसिक भी और ये हुआ एकदम शॉर्टकट। ठीक है, कोई बिना रटे बिना कुछ किए बस कंसेप्ट एक बार समझ लेना है करना कैसे है। ठीक है, तो ये अब इसके बाद में ये सवाल को आप खुद करें। ठीक है, ये वाले सवाल को खुद करें, उसके बाद में फिर अपना आंसर कमेंट करें कि कितना आंसर आया कितना नहीं, उसके बाद फिर यहाँ पर देखें। ठीक, तो अब यहाँ पे इसको मिटा लेते, अब देखते हैं इसका आंसर देखते हैं। ठीक है, इसको एकदम शॉर्टकट में कर लेते हैं। ठीक है, इसको बेसिक अब नहीं बताऊंगा, बेसिक मैंने बता दिया पूरा, अब शॉर्टकट में एकदम करेंगे इसको। और कैसे करेंगे, क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 19 पारियों में, कितनी पारी है टोटल 19 पारियां हैं। ठीक है, तो 19 पारी में कुछ औसत रन बनाया, कुछ औसत रन बनाया इसका मतलब क्या है, 19 पारियों में कितना औसत रन बनाया ये दिया नहीं, मानना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना मानना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ की जगह क्या मान लें अपन, एक कि मान लो एक औसत रन बनाया। ठीक है, 19वीं पारी में, तो 19वीं पारी में इसमें एवरेज कितना है, एक से औसत रन कितना बनाया। ठीक है, और फिर आगे पढ़ेंगे, यहाँ पर औसत रन बनाए 20वीं पारी में 100 रन बनाए। ठीक है, 20वीं पारी में कितने बनाए, 100 रन बनाए, जिससे उसका औसत, जिससे उसका औसत 4 बढ़ गया, कितना बढ़ा, 4 बढ़ गया। ठीक है, पहले से, पहले एक्स था तो 20वीं पारी में आकर औसत कितना आया, 1+4 हो जाएगा। राइट, तो अपन सीधे निकाल लें यहाँ पर, ये जो 20वीं पारी है 20 में से 19 को माइनस करो तो कितना रहेगा, 1, मतलब यहाँ पे केवल सिंगल एक्स लिखना है। ठीक है, और टोटल रन कितने हैं इसको लिख लो यहाँ पर, उसके बाद 20वीं पारी है और बड़ा कितना है, 20वीं पारी में बड़ा कितना है, तो 20 दूना कितना होगा, 80 हो जाएगा, तो यहाँ पर 80 कर लेंगे, 80। अब इसके बाद में इसको क्या करेंगे, घटा लो तो कितना आएगा, 20 आएगा, मतलब एक बराबर आपको कितना आया, 20 आया। ठीक है, एकदम शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ यहाँ पे बेसिक में। अब आपको बताना क्या है, तो 20वीं पारी का औसत कितना होगा, तो 20वीं पारी का औसत कितना होगा, एक का ये है तो 20वीं का 4 ज्यादा है। ठीक है, तो 20वीं पारी का, 20वीं का क्या है औसत, औसत कितना होगा, 20 प्लस कितना होगा, 4 बराबर कितना होगा, 24। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका आंसर निकल जाएगा। ठीक, अब इतनी ही जगह में, जरा सी इसी जगह में, अब ये वाली चीजें क्या है कि आप बोल के भी निकाल सकते हो, ये लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन ये मुझे क्या आपको बताना है इसलिए यहाँ पर लिखना पड़ रहा है। ठीक, तो इस तरीके से इसका आंसर निकल गया कम्प्लीट, क्लियर। तो सवालों को ऐसे ही हल करना है, ज्यादा किसी भी प्रकार से उलझना नहीं सवालों में। ठीक है, सवाल को समझना है पहले, क्या कह रहा है और क्या निकालना है, कैसे इसको जमा सकते हैं, जमाने की कोशिश करना है। ठीक, तो इस तरीके से ये कंप्लीट हुआ, और यहाँ पर जो टाइप था छठवा, जो मैंने बहुत सही तरीके, सिंपल तरीके से यहाँ पे आपको समझा दिया, बता दिया, और बस ये अभी थोड़ा सा यहाँ पे क्या है कि बारिश हो रही है तो थोड़ी सी आपको आवाज़ भी आ रही होगी, थोड़ा डिस्टर्बेंस भी होता है, इसलिए इसके आगे अभी नहीं बढ़ा रहा हूँ मैं, और अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इसका अगला वीडियो आएगा, उसमें हम आगे के जितने भी टाइप बचे हुए हैं एक साथ पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, लेकिन यहाँ पर अब इतना सब कुछ क्लियर हुआ है, क्लियर किया है। ठीक है, तो आप खुद भी पढ़ें, खुद के साथ में अपने फ्रेंड्स तक शेयर भी करें, और वीडियो को लाइक जरूर कर दें।
क्योंकि यहाँ पर इतना कुछ के करने में थोड़ा सा मेहनत लगता है, तो आप भी थोड़ी सी मेहनत कर लें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।